अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका जन्नत की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान राज अहमद सलीम आज दोबारा फिर आपकी खिदमत में एक नई लोकेशन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों ये एक खाली मकान है, डबल स्टोरी, और ये काफ़ी सालों से बंद पड़ा है और हमें पता चला है कि इस घर के अंदर कोई जो बाहर की मखलूक रहती है और इस घर के अंदर उसका कब्ज़ा है। तो अभी हम इसके अंदर आए हैं, तकरीबन 20 साल बाद इसका जो घर का ताला खोला है हमने और अभी इसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे बिखरा पड़ा सारा सामान, और ये कुछ कपड़े पड़े हैं खून से सने हुए। तो जो इनके पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि अक्सर रात के वक़्त कुछ इनकी छतों के ऊपर कुछ चीज़ इनको दिखाई देती है, जैसे कोई सफ़ेद कपड़े पहन के फिर रही हो और उसकी आंखें चमकती हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हम इस मकान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये उनका सामान वगैरह बिखरा पड़ा है। तो 20 साल से ये बंद था मकान, और इसकी आप कंडीशन देखें, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो इस जगह पर लाइट बहुत कम है क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं थी, तो इसलिए हम दूसरी छोटी लाइट से काम चला रहे हैं। तो वीडियो कैप्चर करना ज़्यादा ज़रूरी था कि उस घर के अंदर एक्टिविटी हो रही थी, तो हमें अचानक से पता चला था, तो इसलिए हम वीडियो कैप्चर करने लग गए। तो दोस्तों इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा जो हमें एक्टिविटी महसूस हो रही है कि जैसे कोई चीज़ इस घर के अंदर अभी भी मौजूद है। और ये कपड़े आप देखें कि जैसे ऊपर को खून सा लगा हो, अजीब से ये एक खौफ सा हमें आ रहा है इस घर के अंदर। और ये आप देखें कि किसी जगह पे उनके कपड़े पड़े हुए हैं, किसी जगह पे जूते बिखरे हुए हैं, और अजीब अजीब सी चीज़ें पड़ी हुई हैं इस घर के अंदर। ये घर जो डबल स्टोरी है, तो थोड़ी देर में हम इसके ऊपर भी जाएंगे। और ये आप देखें कि ये कुछ दरख्त के साथ तावीज़ से बांधे हुए हैं इन लोगों ने, और कुछ अजीब से जो ये एक ऊपर गड़ा सा लगाया गया, इसके अंदर भी कुछ तवीत थे हमने निकालने इसके अंदर से। और ये काफ़ी अजीब सा मकान है और काफ़ी सुनसान जगह है ये। और इस घर के अंदर लोग बताते हैं कि रात को ऐसे लगता है कि जैसे कोई पागलों की तरह ऊंचा हंस रहा हो। तो अक्सर आसपास के जो पड़ोस के लोग हैं वो सुनकर परेशान हो जाते हैं, तो जब अपनी छतों के ऊपर चढ़कर देखते हैं तो अंदर कोई भी नहीं होता इस मकान के अंदर। काफ़ी बड़ा मकान है, एक हिस्से के अंदर इसकी डबल स्टोरी है और एक हिस्से के अंदर ये खाली मैदान है। और ये कुछ आग वगैरह भी लगाई गई है, जैसे कोई चीज़ जलाई गई हो। ये आप देखें, ये बिल्ली अचानक से आई है और इसकी आप आंखें देखें कैसे चमक रही हैं, इस बिल्ली की आंखें। पहले मैं इधर से होके गया हूँ, मुझे तो नज़र नहीं आई, लेकिन कुछ नीचे जला पड़ा है ये आप देखें, कुछ अजीब से कपड़े वगैरह जले हुए हैं, जैसे कोई बैठ के इधर जादू टोना करता हो। ये इनका घर का सामान बिखरा पड़ा, और ये आप बिल्ली की आंखें देखे कैसे चमक रही हैं, काफ़ी बड़ी सारी बिल्ली, और अजीब सा एक खौफ सा इसके अंदर से आ रहा है। जैसे एक दफ़ा तो ये मेरे सामने ही, तो मैं खुद डर गया। ये आप देखें कैसे इसकी आंखें चमक रही हैं, बड़ा अजीब सा घर है, इसके अंदर से एक कुछ अजीब सी सनसनाहट की आवाज। और ये काफी देर से मुझे ही देखे जा रही है, खैर हम इस साइड पे हो जाते हैं। और जगह जगह पे कुछ तावीत वगैरह जलाए पड़े हैं, कुछ दरख्तों के साथ बांधे हुए हैं, तो कुछ पौधे भी लगे हुए हैं।
इस दरख्त के साथ भी कुछ बांधा हुआ है पौधे के साथ, और ये इनका पुराना कोई कबाड़ सा पड़ा हुआ है कुछ, अजीब सा ये इस जगह का माहौल है। ये देखें कि मेरा ख्याल है कोई तो आता ही होगा इन पौधों को पानी देने के लिए, हरे भरे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 20 साल से ये मकान खाली है, इसके अंदर कोई रहायश नहीं करता। तो हमने इसके बारे में पता किया तो लोगों से कि इस घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को रहने नहीं देती, तो इसलिए इसके अंदर जो भी आता है वो छोड़कर चला जाता है, भाग जाता है, तो इसलिए ये मकान खाली का खाली पड़ा हुआ है और 20 साल से ऐसे ही है। अब तो ये जिन्नात के घर से ये जाना जाता है ये वाला मकान। यहाँ देखे टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हैं, बड़ी अजीब अजीब सी, हमें तो खुद खौफ आ रहा है यार इस जगह पे। अल्लाह अकबर। अभी हम जो इसका ऊपर का पोर्शन है उसके अंदर जाकर देखते हैं उधर क्या पड़ा हुआ है। लोग तो बताते हैं कि खाली है, लेकिन फिर भी हम जाकर देखते हैं, लेकिन आप लोगों को बताते चले कि इस घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है। ये जो मकान मालिक का ही पड़ा हुआ कबाड़ सा, और वो भी कभी कभी जगह पे एक आधी दफ़ा आता है, वो भी दिन के टाइम। इस पौधे के साथ भी तवीत वगैरह बांधे गए हैं, तो अजीब सी एक खौफ इस घर के अंदर है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे पीछे पीछे कोई चीज़ चल रही हो। ऊपर की तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा हमें, लेकिन कुछ देर के लिए हम वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। कैप्चर करके इधर से निकल जाते हैं। ये देखें सामने कोई चीज़ थी, बिल्कुल जैसे कोई चीज़ भाग कर गई हो इस जगह से। ये जैसे जलाओ किसी चीज़ से। तो अभी दोस्तों हम ऊपर की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को ऊपर क्या है। और ये देखें हम इसकी छत के ऊपर आ चुके हैं, इस मकान की छत पे, और ये भी खाली है और अजीब सा इस छत के ऊपर माहौल है। ये दीवारों के कोने के ऊपर पत्थर वगैरह रखे गए हैं और रंग सा डाला गया इनके ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा इस जगह पे एक्टिविटी है, और अक्सर इनको ये जो पड़ोसी हैं आसपास वो कहते हैं कि इनकी ये जो छत है इसके ऊपर किसी बच्चे को देखते हैं चलता फिरता रात के वक़्त। तो कई दफ़ा इन्होंने इनकी दीवार के ऊपर से आकर देखा भी है, तो जैसे इनको वो बच्चा नज़र आता है अचानक से गायब हो जाता है इस जगह से, इस छत के ऊपर से। ये कुछ कपड़े वगैरह पड़े तो हुए हैं जैसे बच्चों के हों किसी के, लेकिन ये इस्तेमाल में नहीं है, बिल्कुल बेकार हैं। पीछे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई है मुझे। ये इसकी सीढ़ियाँ थी ऊपर की तरफ आती थी। छत के ऊपर भी एक कमरा है और खाली से है, और छत के ऊपर ये कबाड़ सा फेंका हुआ इन लोगों ने। अक्सर इस कमरे के अंदर वो बच्चा जाता है, इन लोगों को दिखाई देता है।
अकबर, 200 किसी के आवाज़ आ रही है, किसी बच्चे की। अल्लाह अकबर, इस कमरे के अंदर चल कर देखते हैं हम। ये देखें, ये बस कुछ सामान ही पड़ा हुआ है इस कमरे के अंदर। इतना ज़्यादा सामान वगैरह नहीं है इस कमरे के अंदर। कबाड़ ही है। अल्लाह अकबर, जैसे किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई हो इस कमरे के अंदर। लेकिन ये आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। और ये घड़ा पड़ा हुआ है, इसके अंदर पता नहीं क्या हो सकता है। काफ़ी अजीब सी छत है ये। तो ये किसी बच्चे की चेयर पड़ी हुई है इस जगह पे। ये भी कुछ टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ। ये जगह से काफी ज्यादा शोर सा आ रहा है हमें। और ये इसकी छत के ऊपर भी तवीत वगैरह बांधे हुए हैं छत के साथ। आप लोगों को दिखाते हैं अभी हम। ये कुछ खड़का सा हो रहा है इस जगह पे। इसके पीछे जाकर देखते हैं। ये आप लोग देखें कि ये भी छत के ऊपर तावीत बांधे हुए हैं। एक नहीं, दो दो बांधे हुए हैं इस जगह पे। और ये जो सुराख है, इनके अंदर भी तावीत वगैरह रखे गए। और किसी, ये बाल या किसी लड़की के सर के, औरत के सर के, और जगह जगह पे इसके ऊपर भी तावीत बांधे हुए हैं। नीचे के पोर्शन में हमने देखा तो उधर भी दरख्तों के साथ कुछ ऐसे ही मामलात थे। अब ऊपर, अल्लाह अकबर, ये पीछे से कोई चीज़ गिरी है। और ये आप छत के ऊपर देखें, ये भी तावीत वगैरह बांधे गए हैं इस जगह पे। ये जो पूरी छत के ऊपर ही तावीत बांधे गए हैं। और इस घड़े के अंदर भी हम देख लेते हैं कैसी क्या चीज़ है। ये बिल्कुल खाली है। और ये उसके ऊपर भी तवीत बांधा हुआ है, कपड़े के अंदर बांधे गए हैं। यार मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है इस जगह से, जैसे कोई चीज़ हमारे पास पास ही। और बच्चे के हंसने की आवाज़ भी आ रही है। और ये देखें, ये भी तवीत बांधा गया है। दोस्तों ये जगह काफ़ी ख़तरनाक जगह है। जगह जगह पे तवीत वगैरह बांधे हुए हैं। और ये भी बांधा हुआ है। और ये बिल्कुल खाली मकान है। हम तीन लोग हैं सिर्फ इसके अंदर। और डर लग रहा है हमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लोग डरते हैं इस मकान के अंदर आने से। तो मालिक भी कभी कभी आता है, वो भी दिन के टाइम, और कुछ देर ही रुकता है इस मकान के अंदर। और लोग बताते हैं कि इसके अंदर किसी बच्चे की जैसे कोई आत्मा हो सफ़ेद कपड़ों के अंदर। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को वो ही दिखाई देती है अक्सर चलती फिरती। और वो आपने जो बिल्ली देखी, उसकी आंखें कैसे चमक रही थी, जैसे पहले तो हमें नज़र नहीं आई और अचानक से एकदम से नीचे की तरफ से ऊपर आई है। तो दोस्तों अभी हम इधर से खड़का आ रहा था, और इसलिए हम इधर देख रहे हैं। ये देखें, कोई चीज़ गिरी है। फिर हाँ, इस साइड से आवाज़ें रही हैं, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा। तो अभी दोस्तों से हम इजाज़त लेंगे, क्योंकि इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है। तो हमारी कोई ऐसी तैयारी नहीं थी, अचानक से हम आए थे इस जगह पे। ये देखे पीछे से काफ़ी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ें आ रही, किसी के बच्चे के हंसने की। अभी जो हम इस जगह से निकलते हैं,
इंशाल्लाह दोस्तों को बहुत जल्द दोबारा इधर आकर वीडियो कैप्चर करके दिखाएंगे, क्योंकि ये बंद पड़ा मकान और किसी बुज़ुर्ग को भी साथ लाएंगे। अजीब अजीब चीज़ करके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, नीचे के पोर्शन से, ऊपर के पोर्शन से, तो मज़ीद हम चाहते हैं कि किसी को नुकसान ना हो। तो अभी आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफिज़।